नमस्कार दोस्तों, DLX9 में आपका स्वागत है। मैं धीरज कुमार गौड़ आज आप सबको सिलिकेट के बारे में थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सिलिकेट दो रूपों में आता है, एक फाइन पाउडर के रूप में तथा दूसरा पेस्ट के रूप में। जहाँ तक संभव हो आप पाउडर के रूप में आने वाले सिलिकेट का ही प्रयोग करें। दोस्तों, सिलिकेट के तीन उपवर्ग होते हैं, मेटा सिलिकेट, सेस्क्यू सिलिकेट तथा आर्थो सिलिकेट। इनमें सबसे अच्छा मेटा सिलिकेट होता है, इसमें सफाई क्षमता भी ज़्यादा होती है। आप हमेशा मेटा सिलिकेट का ही प्रयोग करें। दोस्तों, सिलिकेट में मैल काटने की थोड़ी बहुत क्षमता के साथ ही पर्याप्त झाग बनाने की क्षमता भी होती है। कपड़े धोने के साबुनों में इन्हें सस्ता बनाने के लिए पेस्ट के रूप में आने वाले सिलिकेट का प्रयोग खुलकर होता है, परंतु डिटर्जेंट के क्षेत्र में स्थिति विपरीत है। डिटर्जेंट के क्षेत्र में अगर आप सूखी विधि से पाउडर बनाते हैं तो उसमें आप फाइन पाउडर के रूप में आने वाले सिलिकेट का ही प्रयोग करें। अगर आप मशीनों से डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो आप उसमें पेस्ट में आने वाले सिलिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सिलिकेट का एक और मुख्य कार्य होता है एसिड सलरी को न्यूट्रलाइज करना। आप तो जानते ही हैं कि एसिड सलरी मोबिल ऑयल के समान ही एक चिकना गाढ़ा रसायन है। यह पानी में तो घुलती ही नहीं, अपितु किसी सतह पर या कपड़े पर इसका दाग लग जाए तो इसे हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या से बचने के लिए सबसे पहले हमें एसिड सलरी को न्यूट्रलाइज करनी है। दोस्तों, एसिड सलरी न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कास्टिक सोडा के घोल का भी उपयोग कर सकते हैं, सिलिकेट के घोल का भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं ऐसे डिटर्जेंट पाउडर में डालते हैं तो भी वो सोडा एस के माध्यम से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले ही न्यूट्रलाइज कर लेते हैं तो ऐसे सलरी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। जो बाकी उसका बचा हुआ अंश है वह डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद सोडा एस से न्यूट्रलाइज हो जाएगी, जिससे उसकी गुणवत्ता काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, सोडियम सिलिकेट यानी SMS, सोडियम मेटा सिलिकेट से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले 1200 ml से 1500 ml गुनगुने पानी की आवश्यकता होती है। इस गुनगुने पानी में सिलिकेट को डालकर उसे अच्छी तरह से घुलाने के बाद से जब उसमें सोडियम मेटा सिलिकेट के दाने अच्छी तरह से घुल जाए तो उसकी थोड़ी टेम्परेचर पानी की और बढ़ जाती है। फिर इसे ठंडा होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख दे, उससे पहले भी ठंडा हो जाएगी। जैसे ठंडा हो जाती है आप उसे 1 किलो ऐसे सलरी में डाल के अच्छी तरह से मिलाए, अच्छी तरह से घोटे। दोस्तों, कुछ देर बाद ऐसे सलरी का रंग बदल के सफ़ेद दूधिया कलर में हो जाएगा, यानी आपका ऐसे सलरी न्यूट्रलाइज हो गया है। दोस्तों, सबसे अधिक मैल काटने की शक्ति होती है सोडियम मेटासिलिकेट में। इसे प्रायः SMS के नाम से जाना जाता है। आप SMS का ही प्रयोग अपने डिटर्जेंट या साबुनों में करें। सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट में मैल काटने की क्षमता थोड़ी कम होती है, तो वहीं सोडियम आर्थो सिलिकेट बहुत अधिक भारी होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। दोस्तों, ऐसे सलरी के समान ही सिलिकेट का निर्माण भी स्थानीय स्तर पर गुमनाम निर्माताओं द्वारा किया जाता है। ये निर्माता न तो अपना खास ब्रांड नेम रखते हैं और न ही किसी प्रकार का प्रचार ही करते हैं। जो दुकानदार ऐसे सलरी तथा अन्य रसायन बेचते हैं वे ही पाउडर के रूप में आने वाला सूखा सिलिकेट भी पाउचों में भर के बेच देते हैं। दोस्तों, सिलिकेट बनाने के लिए सिलिका नामक खनिज मिट्टी तथा सोडा एस को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद बॉयलर में ऊंच ताप पर लंबे समय तक पकाया जाता है, जिससे सोडियम मेटा सिलिकेट या सिलिकेट तैयार हो जाती है। दोस्तों, सोडा एस और सिलिका का मिश्र होने के कारण इनका पूरा नाम सोडियम सिलिकेट है, परंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे सिलिकेट ही कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें, हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए DLX9। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडियाज के साथ।